हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। देखिए, हम क्राउन जी के डिस्कस कर रहे हैं। क्राउन पब्लिकेशन की जो जनरल नॉलेज वाली बुक आती है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं पहले मैं बताता हूँ। एंशियंट हिस्ट्री हमारा कंप्लीट है, उसके अलावे वर्ल्ड ज्योग्राफी का मेजर पोर्शन कंप्लीट है, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम साइमल्टेनियसली लेके चलना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो मेजर आपको जो टफ टफ पोर्शन है वो पहले ही हम कंप्लीट करना चाहते हैं, ताकि हमारा बाद में आपको हल्का हल्का लगे। लुसेंट जी के तो हमारा पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री बचा हुआ है, और इसके अलावा कम से कम ऑलमोस्ट 10 वीडियो बचा हुआ, बाकी कुछ छोटे छोटे टॉपिक का, तो ये हम जल्दी कंप्लीट करवा लेंगे। और एनसीईआरटी समरी भी आएगा, और तो ये हम इसको डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी समरी में भी काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे आएगा, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखो, इसमें क्राउन पब्लिकेशन का एक बेसिक बात जो सबसे अच्छा मुझे लगता है कि बहुत ऑर्गेनाइज दिया है और काफ़ी रिविजन फ्रेंडली है, ठीक है ना। रिविजन करना आसान होगा। देखो, रिविजन जितना आपको लूसेंट में थोड़ा सा टफ है रिवाइज करना, क्योंकि ऑर्गेनाइज करके नहीं दिया है। तो भले ही मैंने पढ़ाया है तो मैं काफ़ी ऑर्गेनाइज करके डाला हूँ, तो लेकिन इसमें पहले ही ऑर्गेनाइज करके दिया है, इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी दो वर्ड से बना है, क्लियर, दो ग्रीक वर्ड से बना है, एक है बायोस और एक है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, क्लियर, लोगोस का मतलब स्टडी, यानी लाइफ की स्टडी, क्लियर। तो मतलब सिंपल स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है लाइफ की स्टडी के बारे में, ठीक है ना। अब देखो, nowadays scientists often prefer the term life sciences instead of the biology to emphasize on the focus on the study of life process. तो आजकल के साइंटिस्ट बायोलॉजी के जगह पे जो टर्म यूज करते हैं उसको करते हैं लाइफ साइंसेस, ताकि लाइफ के प्रोसेस के बारे में अच्छे से फोकस किया जा सके, अच्छे से डिस्कस किया जा सके। सिंपल है, यानी साइंटिस्ट इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आपसे ये नहीं आएगा कि लाइफ साइंसेस को यूज करें बायोलॉजी के जगह पे। आपसे क्वेश्चन आएगा कि बायोलॉजी जो दो टर्म से बना हुआ है वो उसका ओरिजिन कौन सा है, ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा, ठीक है ना। दो बंदा था जिसने बायोलॉजी को सबसे पहले बायोलॉजी टर्म का यूज किया, जिसका नाम था, एक था लैमार्क। देखो, मैंने जितना क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूँ, एसएससी वगैरह का डिस्कस करवा रहा हूँ, दिल्ली पुलिस, जो वन डे एग्जाम होते हैं, जो आसान वाले एग्जाम जो होते हैं जिसमें जीएस आसान आते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, उसमें इवन आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि जिस बंदे ने बायोलॉजी टर्म को इजाद किया वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्योंकि मैंने देखा कि पूछ रहा था ओम्स लॉ जिसने दिया वो कहाँ से बिलोंग करता था, मैडम क्यूरी ऐसे ऐसे वर्ड किस जगह से बिलोंग करती थी, तो इवन देश का नाम पूछ रहा है या उसका ओरिजिन पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है। तो इसीलिए लैमार्क इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसने बायोलॉजी टर्म ओरिजिनेट किया और वो फ्रांस से बिलोंग करता था। उसके बाद ट्रेवायरनस, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ट्रेवायरनस, ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, अगर बायोलॉजी में कोई सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आता है तो उसका नाम है एरिस्टोटल, ठीक है ना। एरिस्टोटल पहला पर्सन था जिसने एनिमल का स्टडी किया डिटेल में, ठीक है ना, इसीलिए एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। सिर्फ फादर ऑफ बायोलॉजी ही नहीं बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसने एनिमल की स्टडी की, समझ में आया ना, तो जूलॉजी, जू की स्टडी, जूलॉजी की स्टडी की, सिंपल है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी हम एरिस्टोटल को बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, और फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल को बोलते हैं। बायोलॉजी के दो ब्रांच है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में हम एनिमल की स्टडी करते हैं डिटेल में, और बॉटनी में हम प्लांट की स्टडी करते हैं। तो दोनों के फादर आपको याद रखने हैं। पूछा जाता है कि जो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटल, और फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेटस, याद रखना है, थियोफ्रेटस आप ऐसे बोल सकते हो। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, ये भी है एरिस्टोटल। किन्होंने सबसे पहले टर्म यूज किया बायोलॉजी का, लैमार्क और ट्रेवायरनस, क्लियर। लैमार्क जर्मनी से बिलोंग करते थे,
लेमार्क फ्रांस से बिलोंग करते थे, ट्रेवायरनस जर्मनी से बिलोंग करते थे। जब बायोलॉजी वर्ड आया तो बायोज दो वर्ड से मिलकर बना है, उस दोनों वर्ड का ओरिजिन कौन सा लैंग्वेज है? ग्रीक वर्ड है, प्लीज याद रखना है, लैटिन वर्ड नहीं है। अब कुछ फाउंडर और फादर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले बायोलॉजी, बायोलॉजी के फादर का क्या नाम है? एरिस्टोटल। जूलॉजी के फादर का नाम? इनका भी एरिस्टोटल। तो ऐसे ऐसे हमें दो तीन सबका फादर का नाम हम याद कर लेते हैं, ठीक है? बायोलॉजी जूलॉजी दोनों के एरिस्टोटल, बॉटनी के थेरोफ्रेटस, उसके बाद क्लासिफिकेशन के, क्लासिफिकेशन के कौन है? देखो सबसे पहले ऐसा नहीं, ये नहीं है कि जो अभी मेजर हम क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, ध्यान देना, जो हम क्लासिफिकेशन यूज अभी करते, अभी कौन सा क्लासिफिकेशन यूज करते हैं? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ऐसा नहीं है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था, नहीं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर एच वाइटेकर ने, ठीक है ना? लेकिन सबसे पहले लीनियस ने सारे ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में क्लासिफाई किया अपनी किताब, ध्यान देना। सबसे पहले लीनियस ने सारे ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में क्लासिफाई किया, एक का नाम था उसने बोल दिया प्लांटिया, प्लांटिया, और दूसरा एनिमिलिया, एनिमिलिया। तो अब ये दो क्लासिफिकेशन क्या, किस किताब में? एक किताब था सिस्टेमा नेचर, इसके किताब का नाम था सिस्टेमा नेचर, इस किताब में उसने क्लासिफिकेशन किया, इसीलिए लीनियस को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है ना? इवन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी लीनियस को ही बोला जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन के बाद टैक्सोनॉमी के फादर इन्हीं को बोला जाता है, टैक्सोनॉमी। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के फादर कौन है? ये है मेंडल, मेंडल ने की किस प्लांट पे किया था? पी प्लांट पे, याद रखना है जेनेटिक्स, ठीक है ना? पैलियंटोलॉजी, ध्यान देना पैलियंटोलॉजी, पहले पैलियंटोलॉजी का मतलब क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। तो जो फोसिल्स होते हैं ना उसकी स्टडी को हम पैलियंटोलॉजी बोलते हैं। लियोनार्डो द विंसी, इसने इसको फादर बोला जाता है फोसिल्स की स्टडी को, ठीक है ना? मेडिसिन, मेडिसिन जो वर्ड है वो क्या है? मेडिसिन का मतलब है डिजीज को ट्रीट करना, कैसे? ड्रग के मतलब से। इसके फादर का नाम है हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स, ठीक है ना? हिपोक्रेट्स द मेडिसिन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फादर को लुईस पाश्चर बोला जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फादर। मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी, ध्यान देना सबसे पहले ये समझो एम्ब्रायोलॉजी क्या होता है, मतलब ये समझना, एम्ब्रायोलॉजी का मतलब होता है कि आप एग के फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हो, कैसे जाइगोट फॉर्मेशन होता है, कैसे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, ये सब बातें। तो मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी के फादर का नाम है बॉन बेयर, ठीक है ना? बैक्टीरियोलॉजी के फादर का नाम है लिवन होक, बैक्टीरियोलॉजी के फादर का नाम है लिवन होक। इम्यूनोलॉजी, ध्यान देना इम्यूनोलॉजी मतलब किसी बंदे की इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में है, कि मतलब हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि वो बंदा कितना रसिस्ट करता है डिजीज को उस पर अटैक करने से, तो ये सब बात हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके फादर का नाम है एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, समझ में ना? माइक्रोबायोलॉजी के लिवन होक, तो बैक्टीरियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी दोनों के फादर को लिवन होक ही बोलते हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर है डब्ल्यू बैटेसन, बैटसन। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन को कौन है? विलियम हार्वे, ब्लड सर्कुलेशन। म्यूटेशन, म्यूटेशन के फादर क्योंकि क्या नाम है? म्यूटेशन के फादर का नाम है ह्यूगो डी व्राइस, याद रख लेना ह्यूगो डी व्राइस, ठीक है? साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, साइटोलॉजी है रॉबर्ट हुक। तो अब क्वेश्चन उठता है साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो स्टडी ऑफ सेल्स जो होता है ना उसको साइटोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स, कोई दिक्कत नहीं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है एलेक जेफरी, एलेक जेफरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और यूगेनिक्स, यूगेनिक्स के फादर का क्या नाम है? यूगेनिक्स के फादर का नाम है यूगेनिक्स का मतलब क्या होता है? यूगेनिक्स का मतलब होता है कि उस फैक्टर की स्टडी करना जो ह्यूमन रेस के इम्प्रूवमेंट के लिए स्टडी किया जाता है, तो उसको गाल्टन, उसके फादर का नाम है। इंडियन इकोलॉजी के फादर है आर मिश्रा।
इंडियन ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी मतलब ब्रायोफाइट की स्टडी, आर एस कश्यप, ब्लड ग्रुप के लैंड स्टेनर, लैंड स्टेनर ब्लड ग्रुप के लैंड स्टेनर है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन है विलियम हार्वी, ब्लड सर्कुलेशन है विलियम हार्वी। तो सबका आप एक बार ध्यान रख लेना, बायोलॉजी एरिस्टोटल, जूलॉजी एरिस्टोटल, बॉटनी थेरोफ्रेटस, क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया लीनियस, टैक्सोनॉमी भी लीनियस, जेनेटिक्स जॉर्ज ग्रेगोर मेंडल, मेंडल से बोलते हैं, पैलियंटोलॉजी फॉसिल्स की स्टडी लियोनार्डो द विंची, मेडिसिन की डिजीज को कैसे ठीक करना है ड्रग की मदद से हिपोक्रेट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लुइस पाश्चर, मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी बॉन बियर, बैक्टीरियोलॉजी लेवेनहुक, इम्यूनोलॉजी की इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करता है कि कैसे वो स्पेसिस बीमारियों को रेसिस्ट करता है, एडवर्ड जेनर, माइक्रोबायोलॉजी लेवेनहुक, ठीक है ना, मॉडर्न जेनेटिक्स डब्ल्यू वैटसन, ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वी, और ब्लड ग्रुप है लैंडस्टेनर, म्यूटेशन ह्यूगो डी ब्रायस, साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक जेफरी, यूगेनिक्स का है गाल्टन, इंडियन इकोलॉजी आर मिश्रा, इंडियन ब्रायोलॉजी आर एस कश्यप, ये सब। उसके बाद कुछ ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम बैक्टीरियोलॉजी किसकी स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया की, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया की स्टडी, याद हो गया कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो आप याद ही कर लो, वीरोलॉजी वायरस की स्टडी यहाँ से याद कर सकते हैं, वायर वायर क्लियर, ये अलग है, फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं, माइकोलॉजी, इंसेक्ट की स्टडी को बोलते हैं, इंसेक्ट थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, एंटोमोलॉजी क्लियर, और इस फिशेस की स्टडी इथियोलॉजी, ठीक, ओपियोलॉजी होते हैं स्नेक की स्टडी ओपियोलॉजी, मिर्मेकोलॉजी एंट्स की स्टडी होती है मिर्मेकोलॉजी, और नियोथोलॉजी होती है बर्ड्स की स्टडी ऑर्नियोथोलॉजी, ऑर्नियोथोलॉजी, स्पाइडर की स्टडी को बोलते हैं आर्केनोलॉजी, आर्केनोलॉजी, फाइकोलॉजी ऑब्वियसली एल्गी, हरपेटोलॉजी रेप्टाइल्स, हरपेटोलॉजी होते हैं हरपेटोलॉजी, हरपेटोलॉजी रेप्टाइल्स। तो एक बार देखते हैं, बैक्टीरिया बैक्टीरियोलॉजी याद करना आसान है, वायरस वाला भी आसान है वायरोलॉजी, उसके अलावे और कौन आसान है, मतलब और थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, माइकोलॉजी ये तो बार बार हम लोग करते हैं, माइकोलॉजी कितना बार मैं क्वेश्चन में बताऊँ, माइकोलॉजी फाइकोलॉजी ये सब याद करना, माइकोलॉजी फंगी फाइको एल्गी, ठीक है ना। उसके बाद एंटोमोलॉजी इंसेक्ट, इथियोलॉजी फिशेस, ओफियोलॉजी स्नेक, मिर्मेकोलॉजी एंट्स, ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स, एरकोनोलॉजी स्पाइडर, फाइकोलॉजी, हरपेटोलॉजी रेप्टाइल्स। तो ये सारे हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, इसीलिए बुक मुझे इतना अच्छा लगता है, पूरा ऑर्गेनाइज करके दिया है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज करके दिया है ये सारा, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्ट इन द टर्म्स, देखो अब कुछ देखते हैं अप्रोच की स्टडी, जैसे साइटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, एम्ब्रायोलॉजी फिजियोलॉजी मैं इसको करा ही चुका हूँ, एनाटॉमी में क्या होता है कि आप ऑर्गेनिज्म के ग्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो एनाटॉमी में, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हो, प्लांट और एनिमल के फॉर्म्स और स्ट्रक्चर के बारे में, ऊपर से मॉर्फोलॉजिकली कैसे दिखता है, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है ये बॉडी के, ध्यान देना, माइन्यूट स्ट्रक्चर ऑफ द टीनी बिट्स ऑफ द बॉडी एज सीन इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब एकदम बेसिक माइन्यूट डिटेल में देखते हो। साइटियोलॉजी तो ऑब्वियसली हमें पता है सेल की स्टडी को होते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल ऑब्वियसली, साइटोलॉजी सिंपल सेल चाहे एनिमल या प्लांट, एम्ब्रायोलॉजी होता है कि एम्ब्रायो की पढ़ाई करते हैं कि कैसे फॉर्म करता है कैसे डेवलप करता है चाहे प्लांट में या एनिमल हो, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि कैसे फंक्शन करता है, प्लीज यहाँ ध्यान दें, मॉर्फोलॉजी मतलब सिंपल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिजियोलॉजी का मतलब किसी ऑर्गेनिज्म कैसे काम करता है, ये काम ये बस ऊपर ऊपर से हमें देखता है, जैसे इंसान को ऊपर ऊपर से देख लिया लेकिन ये काम कैसे करता है वो देख रहा है फिजियोलॉजी। टैक्सोनॉमी या सिस्टमेटिक्स क्या होता है, नेमिंग ग्रुपिंग क्लासिफाइंग एनिमल का ना, ये सब बात, ठीक है ना। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी है रिलेशनशिप बिटवीन किसी किसी ऑर्गेनिज्म के दोनों लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के रिलेशन की बात करते हैं,
बायोजोग्राफिकल की बात करते हैं कि कैसे ज्योग्राफी के हिसाब से वहाँ पे प्लांट और एनिमल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। भाई कैसे डेजर्ट में कंगारू डेजर्ट मिलते हैं, कैसे डेजर्ट में कैमल मिलते हैं, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन बायोजोग्राफिकल बताता है। पैलेंटोलॉजी ऑब्वियसली फोसिल्स के बारे में बताता है, एनिमल या प्लांट के। इवोल्यूशन में क्या होता है कि कैसे ओरिजिन हुआ, डिसेंट हुआ ऑर्गेनिज्म का, ये बताता है। जेनेटिक्स में कि कैसे पेरेंट का कैरेक्टर उसके बच्चे में आता है, इसका ट्रांसमिशन बताता है। पैथोलॉजी में कैसे डिजीज ऑफ द प्लांट, पैथोजेंस कैसे अटैक करके डिजीज क्रिएट करते हैं प्लांट और एनिमल में। इम्यूनोलॉजी का मतलब फेनोमेना एंड कॉजेज ऑफ इम्यूनिटी की बात करता है कि कैसे कोई स्पीसीज रेसिस्ट कर लेता है बीमारियों को, ठीक है ना। कुछ अप्लाइड बायोलॉजी है, जैसे एग्रीकल्चर में किसकी स्टडी करते हैं, राइजिंग क्रॉप्स की। मराइन बायोलॉजी में सी लाइफ ऑफ द सी, मतलब सी के अंदर लाइफ कैसी है उसके बारे। वेटनरी साइंस में आप एनिमल की ट्रीटमेंट और सर्जरी की बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर में वही फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर या ऑर्नामेंटल प्लांट की बात करते हैं। सेरिकल्चर में हम किसकी बात करते हैं, सिल्क की बात करते हैं कि सिल्क को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाई सिल्क वॉर्म को प्रोड्यूस करके, रेज करके। पीसी कल्चर में फिश को ग्रो करने की बात करते हैं। एपी कल्चर में बी कीपिंग करते हैं हनी प्रोडक्शन के लिए। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होता है, सिंपल है, बायो बायोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप एक डेटाबेस में रखते हो, यही बात है। सिंपल है, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को आप मैनेज करते हो फिर एनालिसिस करते हो। सिंपल है, मान रखा मैंने डेजर्ट को, फिर मैंने इससे इन्फॉर्मेशन रखा कि वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ कम भी पानी हो तो चलेगा, ऐसे डेटा को। एक्सो बायोलॉजी का मतलब होता है इस यूनिवर्स से बाहर जो भी स्टडी होती है लाइफ की, उसको एक्सो बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और अभी कुछ वीडियो आप सबको मिलेगा, ठीक है। और एक और चीज़ बात बता दूँ, इसका एक ऑब्जेक्टिव कोर्स भी चल रहा है। ऑब्जेक्टिव कोर्स में दो कोर्स चल रहा है, एक लुसेंट ऑब्जेक्टिव और एक राकेश यादव सर की ऑब्जेक्टिव। सब कोई भी आपको जानना हो तो इस नंबर पे आप मैसेज कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच।